हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी। शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कल आप लोगों का जो टेस्ट हुआ था जनन से, और टेस्ट में शायद 18 क्वेश्चन था, 72 नंबर का था, और बहुत सारे लोग स्टूडेंट टेस्ट नहीं दे रहे हैं। सभी टेस्ट दीजिए, किसी का मतलब होता है सर हम टेस्ट छूट गया क्या बाद में दे सकते, हाँ दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए। टेस्ट देने से क्या होता है, पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप में कोई कमी है तैयारी में तो आप उसका पूरा करने का प्रयास करें, लेकिन एक टेस्ट तो देने का प्रयास करते नहीं है, तो पूरा करना तो दूर बात है। जो बच्चे टेस्ट दिए हैं उनका हम रिजल्ट बता देते, कितना नंबर आया है, 72 नंबर का टोटल एग्जाम हुआ था, जिनमें से 68 नंबर आया है धीरज पटेल, धीरज पटेल का 68 नंबर आया है। फिर आपका कुंदन शर्मा 24 नंबर आया, निभा कुमारी 52 नंबर, यानी फर्स्ट में है धीरज पटेल 68 नंबर और निभा कुमारी 52 नंबर, दो को निभा, एक आया 8 नंबर, एक आया 52 नंबर। फिर एक नीरज कुमार है जिनका भी आया 52 नंबर, फिर विकास है जिनका है 40 नंबर, और बाकी का तो 12 नंबर 8 नंबर आया है। खुशी भारद्वाज 16 नंबर, रमेश कुमार 16, अमरजीत 8, स्वीटी गुप्ता 12। कहा स्वीटी गुप्ता, आपको हम बताए थे पहले, आप पढ़ देने पर ध्यान नहीं दे रही हैं, क्योंकि एक टेस्ट में आपका नंबर अच्छा होता है तो दूसरे के टेस्ट में गायब हो जाते हैं। चलिए, विपिन कुमार 20 नंबर, लवकुश कुमार 28 नंबर, आयुषी अनु 28, और फिर आपका रानी कुमारी 12 नंबर। बताओ क्या हुआ। हम एक बात बता देते हैं, जो टेस्ट होता है ना बाबू, वो टेस्ट होता है व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक मिलता है टेस्ट का। यूट्यूब पर टेस्ट नहीं होता, यूट्यूब पर सोल्यूशन, यूट्यूब पर काला टेस्ट लेंगे, वहां पे ग्रुप पर होता है टेस्ट, वहां पे लिंक मिलता है टेस्ट का। लिंक पर जाने के बाद आपको जैसे ऑनलाइन टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड पे, बिल्कुल वैसा ही एग्जाम होता है। इसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन बताते हैं। चलिए आंसर मिला लीजिएगा, और सभी को पीडीएफ मिल गया है व्हाट्सएप पे, जो टेस्ट दिए हैं ग्रुप में सभी को पीडीएफ चला गया है क्वेश्चन वाला, उसका आंसर भी साथ में रहता है। पहला क्वेश्चन है कि कोशिकाएं आकारिकी में भिन्न हो जाती है तथा भ्रूण में भिन्न भागों में कार्य करती है, यह प्रक्रिया कहलाता है। तो यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है, तो यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है, विभेदन। यानी कहता है कि कोशिकीय आकारिकी, बढ़िया सुनिएगा, कोशिकीय आकारिकी में भिन्न हो जाती है तथा भ्रूण में भिन्न भागों में कार्य करती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, विभेदन। तो राइट आंसर आपका पहला के ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन करता है, विदलन के दौरान कोशिकाओं के लिए क्या सत्य है। देखिए, विदलन जब होता है तो उस समय आकार में वृद्धि नहीं होता, लेकिन ऑप्शन में दिया है केंद्रीय कोशिका द्रव्य अनुपात अपरिवर्तित रहता है, आकार में वृद्धि नहीं होता। तो ये जो बात है सत्य है कि विदलन के दौरान आकार में वृद्धि, कोशिका के आकार में वृद्धि नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंशभंजी विदलन विभाजन है, अंशभंजी विदलन विभाजन है, तो अंशभंजी विदलन विभाजन कौन होगा। ऑप्शन दिया क्षैतिज, ऑप्शन बी आंशिक बाह्य शारीरिक, और ऑप्शन सी पूर्ण, और ऑप्शन डी सर्पिल। तो देखिए, अंशभंजी विदलन जो है ना विभाजन, ये आंशिक बाह्य शरीर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा के ऑप्शन नंबर बी, तीसरा का बी। उसके बाद अब चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है नेत्र लेंस बनता है, नेत्र लेंस किसका बनता है, एक्टोडर्म से, मीसोडर्म से, एंडोडर्म से, एक्टोडर्म व मीसोडर्म दोनों से। तो देखिए, नेत्र लेंस जो बनता है ना, वो बनता है आपका एक्टोडर्म से। तो राइट आंसर हो जाता है चौथा का ए। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा कहता है कोर का छिद्र यानी ब्लास्टोपोर है। तो देखिए, कोर का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है,
कोरका छिद्र ब्लास्टोपोर जो है ना वो एक प्रकार का गैस्ट्रोसील का छिद्र होता है। तो राइट आंसर पचवा का बी। छठा क्वेश्चन कहता है गैस्टुला भवन का समाप्तिकरण इंगित किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया होगा कोरक गुहा के नाश द्वारा। तो गैस्टुला भवन जो होता है ना वे गैस्टुला भवन का समाप्तिकरण इंगित करता है वो कोरक गुहा के नाश द्वारा। तो राइट आंसर छठा का ए। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है अंत पितकीय को बोला जाता है टी लोले सिथल अंडे में योक पित्त पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया अंडे में सभी जगह, ऑप्शन बी में दिया एक भाग में, और ऑप्शन सी में दिया है दोनों भाग में, और ऑप्शन डी दिया है केंद्रक में। अंत पितकीय टीलोले शिथल जो होता है अंडे में योक जो पाया जाता है ना वो एक भाग में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका सतमा का बी। उसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है अंडे में योक यानी पित्त की मात्रा व वितरण बदल दिए जाने पर निम्न में कौन प्रभावित होगा। देखिए ऑप्शन में दिया होगा युग्मनज का निर्माण, तो युग्मनज का जो निर्माण होगा ना ये आपका नहीं बदलेगा। फिर ब्लास्टोमियर्स की संख्या ये भी प्रभावित नहीं होगा, निषेचन भी प्रभावित नहीं होगा, प्रभावित होगा तो विदलन का ढंग प्रभावित हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका आठवां का ए। नौवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन कहता है मानव के निषेचित अंडे में विदलन के बारे में क्या सत्य है। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया हो फिलोपियन नलिका के प्रारंभ होता है, तो सही बात है। मानव में निषेचित जो अंडा हो, निषेचित जो अंडे में विदलन के बारे में जो सत्य दिया गया है वो होता है फिलोपियन नलिका में प्रारंभ होता है। अरे अंडवाहिनी नलिका में ही निषेचन क्रिया प्रारंभ होता है, विदलन वहीं से होता है। तो नौवां क्यों हो जाएगा आपका सी। उसके बाद दस नंबर क्वेश्चन कहता है अंडे में विदलन का प्रकार निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है, देखिए ऑप्शन सी में दिया है पित्त की मात्रा एवं वितरण से। क्वेश्चन देखिए दस नंबर क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन और सात नंबर क्वेश्चन जिनसे बन गया लगभग तीनों सेम क्वेश्चन है, सिर्फ घुमाया गया है। तो 10 नंबर क्वेश्चन अंडे में विदलन का प्रकार जो निर्धारित होता है वो पित्त की मात्रा एवं वितरण से होता है। तो दसवां को हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ग्यारह कहता है फ्लेमिंगो प्रजनन करते हैं, फ्लेमिंगो जो प्रजनन की क्रिया करते हैं वो करते हैं किसे। तो फ्लेमिंगो जो प्रजनन क्रिया चिल्का झील में, फ्लेमिंगो प्रजनन क्रिया कहाँ करते हैं चिल्का झील में। तो राइट आंसर 11 के बी। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है मानव भ्रूण के विकास की प्रक्रिया का सही श्रृंखला क्रम है। तो मानव में भ्रूण के विकास का सही श्रृंखला क्रम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया है पहले निषेचन होगा, फिर निषेचन से युग्मनज बनेगा, अरे पहले अस्पर्म तो युग्मक हुआ, तो युग्मक अंडाणु और शुक्राणु मिला तो निषेचन हुआ, निषेचन के बाद ना 2N बनेगा तो युग्मनज बनेगा, युग्मनज के बाद विदलन होता है, फिर मोरूला बनता है, फिर आठ कोश का वाला ब्लास्टोसाइट ब्लास्टुला बनता है, तब जाके गैस्टुला बनता है। तो राइट आंसर आपका 12 का ए। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय डीएनए की मात्रा में परिवर्तन से जुड़ी है। तो कौन सी प्रक्रिया डीएनए की मात्रा से जुड़ी है। तो देखिए कौन सी प्रक्रिया डीएनए की मात्रा परिवर्तन से जुड़ा है, तो वो है निषेचन। निषेचन जो है कोशिकीय डीएनए की मात्रा परिवर्तन से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो राइट आंसर 13 का हो जाएगा आपका सी। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कोशिका में चार घातांकीय वृद्धि अभिलाक्षणिक गुण होता है। तो कोशिका में चार घातांकीय वृद्धि
अभिलाषणी के जो गुण होता है वो क्या होता है, तो वो जो गुण होता है वो देखिए ऑप्शन बी में दिया है बहुकोशिकीय जीवों का, तो किसका होता है बहुकोशिकीय जीवों का 14 का B। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कोरक छिद्र द्वारा, कोरक छिद्र द्वार है, कोरक छिद्र द्वार है जो क्या है, तो कोरक छिद्र द्वार जो है ना आर्केन टेरॉन है, तो किसका कोरक छिद्र आर्केन टेरॉन का है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 के D। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है पुनरुद्वन के दौरान एक अंग दूसरे अंग में जो बदलता है ना तो उसको बोला जाता है एपिमॉर्फोसिस, क्या बोला जाता है एपिमॉर्फोसिस, राइट आंसर 16 का B। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कहता है विदलन के लिए क्या सत्य है, सत्य में देखिए ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर बी में कोशिकाओं का आकार घट जाता है, ये बात सही है विदलन के समय घट भी जाता है, तो राइट आंसर 17 के B। 18 क्वेश्चन कहता है आलू के कंद में जिन संरचनाओं की आंखें कह देते हैं वो क्या होती है, तो वो जो होता है कक्षीय कलिकाएं होती है, तो राइट आंसर आपका 18 के D। अरे आलू नहीं देखे जी, आलू में आंख जैसा रहता है ना, इसी को ना ट्यूबर बोलते हैं, इसी में ना प्रजनन होता है, तो ये कक्षीय कलिकाएं होती है ना। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सोल्यूशन, हम बता दिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास की टेस्ट सीरीज BCC का चल रहा है और 2 दिन के बाद फिर टेस्ट होने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।